हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बड़ों को मेरा पहला और छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। मैं संगीता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने नए ब्लॉग पे। तो गाइस, चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है। हस्बैंड तो चले गए हैं ड्यूटी और मुझे जाना है कहीं, तो मैं हो गई हूँ रेडी। और मैं बताऊँगी कि आपको मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मिलती हूँ अभी। तो गाइस, मैं आ गई हूँ जहाँ मुझे जाना था और मैं मिलाती हूँ आपको अपनी फ्रेंड से। ये है दीक्षा दी। तो आज यहाँ हो रहा है कन्या पूजन, तो मैं आई हूँ और मैं बच्चों से मिलाती हूँ। अभी तो ये दो ही आई है। इधर देखो, हाय बोलो। हाय बोलो हंसिका। हाय। तो गाइस, बाकी के बच्चे आ गए हैं, देख सकते हो आप। हाय बोलो सब। अच्छा, ये है हमारी कन्या है। और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। थोड़ा काम वाम कुछ है तो देखते हैं करने के लिए, फिर अभी मिलते हैं। गाइस, अभी बाकी के बच्चे आए नहीं है, तो तब तक ये बच्चे डांस कर रहे हैं। देखो, सब लग गया तिरुल लहंगा, जो कि बहुत ही फेमस है हमारे पहाड़ों में। और ये बच्चे सब हमारे वहीं से है, पहाड़ से ही। तो गाइस, मैं आ गई थी पूजा से पहले ही, और फिर उसके बाद मैं सो गई थी। दिन में सोने की आदत हो गई है तो अब नींद आ जाती है, और मैं अभी उठ रही हूँ। और इनको आप देख रहे होंगी, ये मेरे पति देव है जो ड्यूटी जाने में रहते हैं। पता नहीं मैं तो क्यों ही आई यहाँ। ये बस ड्यूटी जाते रहते हैं और मैं अकेली। तो हस्बैंड जी तो चले गए हैं ड्यूटी, और मुझे धोने थोड़े से कपड़े, जो कि मैं सुबह नहीं धो पाई क्योंकि मैं चले गई थी पूजा में। तो मैं अभी थोड़े से कपड़े धोऊंगी, फिर उसके बाद देखती हूँ कि मैं पार्क में जाती हूँ, फिर मंदिर जाऊँगी। तो गाइस, मैं रहती हूँ आर्मी कैंप में, तो मुझे यहाँ ना वीडियो शूट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ कई चीज़ें ऐसी होती है ना कि उनको हम शूट नहीं कर सकते। एक मतलब कि प्राइवेसी होती है बहुत सी चीज़ों में, तो मैं उनको दिखा नहीं सकती ऐसे। तो तब इसलिए आपको मेरे ब्लॉग सिर्फ रूम के अंदर ही दिख रहे होंगे, और तो इस वजह से ही मैं ब्लॉग ज़्यादा नहीं बनाती। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में कपड़े धो के, और फिर मैं पार्क को जाऊँगी, तो तब आपको मिलती हूँ। तो गाइस, मैंने जैसे कि बोला था कि मैं शाम को थोड़ी देर पार्क होके आऊँगी, तो मैं जा रही हूँ पार्क और मिलती हूँ अभी आपको। गाइस, ये है पार्क जो कि हमारे रूम के जस्ट बगल में ही है, और बच्चे आए यहाँ खेलने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर जाके आती हूँ। ये देखो, मैंने बच्चों को बुलाया था, देखो आ गए। ओहो, देखो गाइस, सब आंटी बोल रहे हैं। कौन सरवा रही थी ये? हाँ, क्यों? ये तो मेरे को जानती है ना, हम वहाँ मैं वहाँ भी आई थी ना, और डांस भी किया था ना आपने। कौन करती है ऐसा? मम्मी ऐसा करती है, गुस्सा आता है तो। और आप कैसा करते हो? आप कैसा करते हो? तो गाइस, मैंने इतने सारे दोस्त बना लिए हैं, और हाय बोलो। प्यार से बोल रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, तो कर देना प्लीज, ठीक है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, और बच्चों को बाय बोलने का टाइम आ गया है। बाय, ठीक है बच्चों, बाय, कल मिलते हैं। तो गाइस, हम आ गए हैं मंदिर, और मेरे दोस्त लोग मित्रगण। तो गाइस, मैं आ गई हूँ रूम पे, और मैं बना रही हूँ अब सब्जी।
काट के तो मैं पहले ही गई थी और बनाती हूँ। ऐसे हमारी किचन की लाइट ख़राब हुई है ना, तो कैसे दिखाऊँ मैं आपको। ये मैं बना रही हूँ सब्जी, भिंडी साग पकौड़ी। तो हमारा खाना हो गया है और आज मेरा काफ़ी अच्छा दिन था क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चों के साथ में ही थी और मैं बहुत दिनों बाद भी रूम से बाहर निकली थी, तो उस वजह से भी मुझे अच्छा लगा काफ़ी। तो गाइस, मैं ज़्यादा रूम पे रहती हूँ तो उस वजह से मैं डेली ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, एक दो दिन छोड़ छोड़ के मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करूँगी कि आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आए और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करोगे और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बाय, गुड नाइट, मिलते हैं अपने नए ब्लॉग पे।